देख पूना पैक्ट में गांधी की बचाई जान थी, आंख वालों को ये घटना पंडित की पहचान थी। तो साथियों, विद्वान होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है और धार्मिक होना भी बहुत जरूरी है, राजनीतिज्ञ होना भी जरूरी है। तो साथियों, धम्म के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, थोड़े बहुत दिन नहीं, 21 साल तक, 21 वर्ष तक बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन करके 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों की भीड़ के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। साथियों, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसलिए उन्होंने वो काम भी पूरा करा 14 अक्टूबर 1956 को। साथियों, एक बात और, बिना मेहनत के, ये भी एक शेर है, आपको जीवन में काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते और मेहनत करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय का अभाव जैसा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात।